मिल्क रस्क मेकिंग मशीन। नीलगंज के गांव में श्याम और सोनू कहकर दो दोस्त रहते थे। उनमें से सोनू हमेशा गांव में सबके पास उधार करता था, लेकिन किसी को भी पैसे वापस नहीं देता था। इसलिए श्याम और सोनू दोनों मिलकर गांव में कोई भी गली में से जाते थे तो लोग उनको पकड़कर खूब पिटाई करते थे। कुछ बार तो पीछे से आकर उनके मुंह पर पर्दा डालकर भी खूब पिटाई करते थे। एक दिन सोनू से श्याम, अरे सोनू ये क्या है रे, कोई भी गली में से जाने से लोग हमारा पिटाई करके छोड़ रहे हैं, असल में कितना उधार किया है रे तुमने, पूछा। तब सोनू, मामू हिसाब के अनुसार इस गांव में हर घर में कम से कम 5,000 तो उधार किया था मैंने। औरत आदमी का फर्क जाने बिना सबके पास उधार किया था मैंने। श्याम, एक बात समझ में नहीं आता, लोग तुमको उधार कैसे दिए थे? मामू हर किसी के पास मैं ज्यादा पैसे नहीं लेता हूँ, मैक्सिमम तो 1,000 रुपए लेता हूँ। चाहिए तो पैसे देने के लिए उनका पैर भी पकड़ लेता हूँ, ब्याज कितना भी होने दो परवाह नहीं है कहता हूँ। बस ब्याज के ऊपर आस आकर वे मुझे पैसे देते हैं, बस खेल खत्म, दुकान बंद, कहो। तब श्याम, छी छी शर्म नहीं है तुम्हें? देखो जब मैं मुंबई में रहता था तब एक मिल्क रस्क मेकिंग मशीन को देखा था, उसमें बस आटा डाला तो वो खुद ही रस्क को बनाती है। उस मशीन को मैं इधर मंगवाना चाहता हूँ, पैसों के बारे में मैं देख लेता हूँ, तुम उसका नजदीक रहकर काम देखो, तब हम सुकून और इज्जत से रह सकते हैं, कहा। तब सोनू ठीक है कहा। ऐसे कुछ दिनों के बाद श्याम मिल्क रस्क मशीन को मंगवाया। उस गांव में वे लोग एक शॉप को किराए पर लेकर उधर उस मिल्क रस्क मशीन को लगाए। बाद में उसके अंदर आटा डालकर रस्क को तैयार करना शुरू किए। बाद में उनको पैकिंग करके बगल में लगा रहे थे। तब सोनू से श्याम, अरे हमारे पास लूज रस्क खरीदने वालों को 2 रुपए कम करके दे दो, ऐसे में जाकर नजदीक के किराने शॉप वालों को और ऐसे ही इधर का अस्पताल वालों से मिलकर डील बात करके आता हूँ, ऐसे हमारा व्यापार अपने आप बढ़ जाती है, कहा। तब सोनू ठीक है कहा और श्याम हर किराने शॉप में जाकर उनका रस्क को कम दाम में देता हूँ कहकर सौदा करने लगा। ऐसे ही अस्पताल में जाकर डॉक्टर से भी बात करने लगा। ऐसे धीरे धीरे से उनका व्यापार बढ़ने लगी। श्याम भी दिन रात बहुत मेहनत करने लगा। सोनू हर शॉप में जाकर रस्क को सप्लाई करने लगा। कुछ दिन के बाद ऐसे ही श्याम सोनू का सारे उधार चुका दिया। उसको सरप्राइज देने के लिए एक दिन सोनू को बुलाया। तब सोनू से श्याम, मामू तुम्हें एक सरप्राइज दूं क्या? वो क्या है पता है? तुम्हारे सारे उधार मैंने चुका दिया है, अब तुम खुशी से घूम सकते हो, इस गांव में अब से तुम्हें पर्दा लगाकर मारने वाले ही नहीं रहेंगे, कह रहा था। तब उधर अस्पताल के स्टाफ और किराना दुकान वाले आए। वे सब लोग श्याम से सोनू ने उनके पास बहुत उधार किया है कहकर कहे। तब श्याम हैरान होकर, अरे ओ नालायक कहीं का, एक तरफ मैं तुम्हारा सारा किया उधार चुका रहा था तो दूसरा तरफ से तुम फिर से उधार करना शुरू किए हो, कहकर लोगों से श्याम, फिर भी आप लोगों को भी दिमाग नहीं है क्या, इस नमूना को क्या देखकर उधार दिए हो, पूछा। तब एक आदमी, क्या देखकर दिए हो पूछते हो, वो मिल्क रस्क मशीन तो उनका ही है ना, और तुम क्यों बीच में बात कर रहे हो, आप ट्रॉल एक काम वाले हो तो काम वाले की तरफ पड़े रहो, कहा। तब श्याम को गुस्सा आकर, क्या रे मैं काम वाला हूँ और ये कमीना मेरा ऑनर है, अरे ये मशीन मेरा है और ये पूरा निवेश मेरा है, आज ये ही नहीं तुम सब लोग मेरे हाथों में गए देखो, कहकर सोनू और लोगों को छड़ी लेकर मारना शुरू किया। उससे सोनू और लोग उधर से बहुत दूर भाग गए। कुछ दूर जाने के बाद उधर रोककर लोग सोनू को पकड़कर खूब पीटने लगे।